हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फनी चटेक की वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोगों के काफी कमेंट, काफी मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमको HDHMR बोर्ड के बारे में बताएं। ऑलरेडी मैंने HDHMR बोर्ड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, लेकिन आज का जो वीडियो है उन सभी से अलग हटके हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि HDHMR बोर्ड वाटरप्रूफ है या नहीं है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंटीरियर वर्क के अंदर यूज करने वाला जो बोर्ड है वो है HDHMR बोर्ड। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो वहां पर भी कंपलसरी HDHMR बोर्ड का उपयोग करते हैं। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो 70% HDHMR बोर्ड का उपयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम HDHMR बोर्ड को यूज कर रहे हैं तो क्या ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि HDHMR बोर्ड का फुल फॉर्म, कि HDHMR बोर्ड का फुल फॉर्म क्या है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हमको जानना है कि HDHMR का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, HDHMR के फुल फॉर्म के अंदर ही सब कुछ मेंशन कर दिया है कंपनी ने। जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, इस यहाँ पे लिखा हुआ है HDHMR। HDHMR का मतलब है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चराइज एंड रेसिस्टेंस बोर्ड। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने जो HDHMR को जो मैन्युफैक्चर करके जो बनाया है हमारे लिए इंटीरियर डिजाइन के अंदर, तो वहां पर इसकी जो डेंसिटी है, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी है, डेंसिटी है, मैंने मजबूत के अगर बात करूं तो बहुत ही पावरफुल है। एक नॉर्मल प्लाईवुड से तो बहुत ज्यादा एडवांस है हमारा HDHMR बोर्ड। प्लस पॉइंट यह है कि इसमें कीड़ा फंगस और डीमक वगैरह किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं, रेसिस्टेंस है, मतलब फंगस है, ब्योरो है, टर्मिनाइट है, मतलब डीमक वगैरह जो भी होते हैं वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी लगने वाले नहीं है किसी भी हालत में। बट अदरवाइज कंपनी ने एक चीज और कहा है, मैंने यहाँ पे ये तो लिखा नहीं है कि टर्मिनाइट प्रूफ। प्रूफ का मतलब ये हो जाता है कि कभी भी फ्यूचर में आपके इस बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, टेक्निकल इशू या कीड़े से रिलेटेड। रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि कुछ हद तक ये बोर्ड उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब आप अपने इंटीरियर डिजाइन के अंदर इसको अगर यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर में होने वाली जो प्रॉब्लम है वो हमको बहुत कमी के साथ देखने को नजर आएगी। जैसे कि मॉइस्चराइज, मतलब पानी वाला जो एरिया होता है हमारा, जैसे कि ऑलमोस्ट किचन के अंदर ऑलमोस्ट पानी का काम किया जाता है, लेकिन वहां पर अगर मैं बात करूँ तो वहां पर आपका जो HDHMR का बोर्ड है आपने यूज कर लिया है, अगर नमी है तो नमी से इस HDHMR बोर्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बिंदास इसको अपने इंटीरियर डिजाइन में ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं, किसी भी पैटर्न में, कहीं पे भी जहां पर नमी बनी हुई। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा एरिया है जहां पर पानी का निकास है, मतलब पानी हमेशा बहता रहता है, पानी पड़ा ही रहता है, आप वहां पर केयर नहीं कर पाते या साफ सफाई भी करते लेकिन पानी फिर भी रहता है, तो वहां पर इस HDHMR को काफी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर पानी के संपर्क में हमारा HDHMR बोर्ड रहे तो उसके क्या हालत हो सकती है। तो देख सकते हैं, ये HDHMR में मैंने यहां पर एक पानी का स्टैंड बनाया था, ये आप पानी के कैन देख सकते हैं। हर साल 6 महीने में मेरे को ये चेंज करना पड़ता है क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पर पानी बिखरता ही रहता है। देखिए इस तरीके से कंटिन्यू पानी बिखरता रहता है। अब ये कंटिन्यू पानी के संपर्क में रहने के बाद इसकी जो इस बोर्ड की जो हालत है वो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये तकरीबन 20 से 22 mm के आसपास ये बोर्ड है, जबकि ये बोर्ड जो था वो 18 mm था। तो पानी के कंटिन्यू संपर्क में आने के बाद ये बोर्ड थोड़ा सा फूल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्रेकपन आ गया है। वो इस कारण आया है क्योंकि ये जो बोर्ड है ये कंटिन्यू पानी के संपर्क में रहा है। आप देखिए जॉइंट वगैरह सब खुल गए हैं, समय के साथ खराब हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इस बोर्ड में क्लियर मेंशन कर दिया हमारा बोर्ड वाटरप्रूफ नहीं है, हमारा बोर्ड मॉइस्चराइज प्रूफ है, मतलब मॉइस्चराइज रेसिस्टेंस है, मतलब कुछ हद तक ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमेशा पानी के संपर्क में रहेगा तो देखो कोई भी बोर्ड है आपका खराब हो जाएगा। मैं इस बोर्ड को गलत नहीं बता रहा हूँ, आप बिंदास इसको यूज कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। बस आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है। अगर आपके यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर कंटिन्यू पानी का काम है, कंटिन्यू पानी बहता रहता है, कभी सूखता नहीं है, हमेशा नमी बनी रहती है उसके कारण, तो आपको वहाँ पर HDHMR का बोर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आप WPC या और 100% वाटरप्रूफ, जो कंपनी मोहर लगा के देती है कि हमारा बोर्ड 100% वाटरप्रूफ है, उस बोर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस एरिया में जहाँ पर आपके हमेशा पानी बहता रहता है, हमेशा पानी रहता है और ऑलमोस्ट
जैसे कि आपका बेडरूम हुआ, ऑलमोस्ट इंटीरियर डिजाइन हुए, किचन के उस वाले एरिया को छोड़ के, पानी वाले एरिया को छोड़ के, बाकी ऑलमोस्ट मॉड्यूलर किचन के अंदर आप HDHMR बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोर्ड है, क्वालिटी भी अच्छी है और डेंसिटी भी अच्छी है, प्राइस भी ठीक ठाक है। आप एक नॉर्मल प्लाईवुड की अगर मैं बात करूँ, एक नॉर्मल प्लाईवुड की बात करूँ तो उससे थोड़ा सा महंगा है ये, ऑलमोस्ट 95 से लेके 110 यानी कि 110 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है। MM पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे MM ग्रेड बढ़ता जाएगा प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है, सिटी वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफी संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।